हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम रीडिंग देखने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, आपको लेकर क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए रीडिंग्स लेकर आ सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, अच्छा, जिस पर्सन का आपको के लिए रीडिंग देखनी है ना, जिस पर्सन की करंट फीलिंग्स और एनर्जी चेक करनी है, नेक्स्ट सेक्शन देखना है, उनके बारे में क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप स्टक रहेंगे उसी सिचुएशन में, उस नेगेटिव सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे कि एंजल्स क्या कहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, हो सकता है जब आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हो या तो आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, ये रिसेंटली बात होनी शुरू हुई है। आपके पार्टनर पे फोकस करने या उनका नाम लेने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है ना, तो जिससे कि आपके साथ रेजोनेट हो सके या फिर आपके साथ ये रीडिंग आपकी आप क्लेम कर सकें इस रीडिंग को। ठीक है, चलिए लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, काफ़ी समय से एक दूसरे का वेट कर रहे हैं आप दोनों। वेट किस तरीके का हो सकता है, मिलने का, मतलब ना दिल से रेडी हैं दोनों बस। ओके, दो कार्ड्स हैं, स्ट्रेंथ, देखा, स्ट्रेंथ की कमी है दोनों में ना। लड़की जा सकती है ना लड़का मिलने आ सकता है। ओके, आप जब ये रीडिंग देख रहे होंगे ना, आप में से कोई तो किसी ने डिजिटल वॉच पहनी होगी या गले में काले रंग का धागा पहना होगा। ठीक है, ये पर्सन अब जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके साथ ख़त्म करेंगे या ख़त्म कर चुके हैं, ये पर्सन लॉयल्टी देगा आपको। मतलब इस ये पर्सन जब था आप बहुत खुश थे, ये बहुत खुश थे, और आप दोनों के बीच जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, कहीं ना कहीं आप ना उदास और परेशान रहने लग गए सिर्फ इस पर्सन के जाने से। तो ये पर्सन अब आपके पास आ रहा है वापस लौट कर, और ना इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहा है ना, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अब विक्ट्री होगी। और ऐसा जानते हैं क्यों होगा, क्योंकि ये पर्सन का ना मैच्योरिटी लेवल इस पर्सन का बढ़ गया हुआ है। हो सकता है ये एनर्जीज आपके साथ भी कनेक्ट करें कि जो चीज़ें आपके पार्टनर के साथ नहीं जा रही हैं वो आपके साथ जाएं, क्योंकि आप और आपके पार्टनर सेम एनर्जी में हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट चल रहा होगा तो ये पर्सन भी उतना ही ज़्यादा परेशान होगा जितना कि आप। हो सकता है आप या आपके पार्टनर ने कोई ऐसी गलती की हो जिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हो, या फिर ह्यूमन, ठीक है, हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को काफ़ी समय हो गया है, हफ्ते हो चुके होंगे, महीने या फिर साल भी हो सकते हैं, कि काफ़ी सालों से आप वेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ वेंट्स दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच की दूरियां बहुत जल्दी, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये पर्सन अब तक टाइम नहीं दे पाया या टाइम पर मिल नहीं पाया आपको, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी थी। कहते हैं ना, इंसान बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता है क्योंकि उलझा होता है या तो अपने करियर में या तो अपने फैमिली में, ठीक है, लेकिन ये पर्सन में अब स्ट्रेंथ आ रही है और ये पर्सन चेंज हो रहा है। आपके आपके पार्टनर के हाथ में टैटू बना हुआ हो सकता है, या फिर आपके आपके पार्टनर की इच्छा होगी कि हम टैटू बनवाएं, कुछ भी बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, हो सकता है। तो ये पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, करेज, हिम्मत आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए। सेवन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेवन ऑफ पेंटिकल भी आया हमारे पास, स्टार में भी सेवन है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ हैं। आप कभी कभी फील करते होंगे कि अचानक से
आप नेगेटिव हैं अचानक से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते होंगे, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के लिए अब पूरी तैयारी के साथ में आएगा। किस तरीके की तैयारी? कि अब कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होगा, ना किसी पर्सन का ना किसी सिचुएशन का, क्योंकि इस पर्सन को आइडिया है कि इसने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा उलझनों में। इसकी पर्सनल लाइफ, या तो आपकी भी और आपके पार्टनर की भी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन जानता है इसको आपके पास आना है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें जो कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रेंथ की भी कमी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली है, इसका खुद का करियर है, फाइनेंस है, इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशान है। अब यहाँ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कहते हैं, हमें क्या ब्लॉकेजेस हैं, कब तक दूर हो जाएंगे। एंजल्स की गाइडेंस ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, देखिए ये साल ख़त्म होते होते आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मैंने कहा ना कुछ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके साथ, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फॉरगिवनेस दीजिए अपने पास्ट से, पास्ट में जहाँ भी अबंडेंस भी आएगी, आपका रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये उल्टा है कार्ड, देखिए यहाँ पर आप ना पास्ट में स्टक हैं किसी बात में, किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप में से दोनों में से किसी की हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो आपके दोनों में से जिसकी भी हेल्थ ठीक नहीं है ठीक हो जाएगी, या फिर आपकी फैमिली में किसी की ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएगी। पास्ट की सिचुएशन से निकलिए, ठीक है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा यहाँ पे, क्या पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, ये तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ आई है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।